हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और प्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको यूपी साइड तहरी कहा जाता है, एमपी में बात करूँ तो खिचड़ी कहते हैं, और एक ऐसी जगह है जिसका नाम है टिकटॉक, वहाँ पे इसे आलसी औरत का प्रिय भोजन कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये सच है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते कैसे बनाना है तहरी या खिचड़ी। तहरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चढ़ाया है एक कुकर, गैस भी मैंने ऑन कर दी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 7 से 8 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल, अगर जो तेल है रिफाइंड ऑयल जैसे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं। तो तेल को हमें एकदम स्मोकिंग हॉट करना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्रफूल, दालचीनी, लहसुन, हरी मिर्च और कुछ काली मिर्च। इसके जो क्वांटिटी है वो मैंने साइड में दी हुई है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पे छोटी इलायची डाल रही हूँ, अब मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, लहसुन भी डाल देंगे और उसके बाद हरी मिर्च। हल्का सा जब ये सारी चीज़ें क्रैकल हो जाएं, तब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं, इनको मैंने हाफ करके स्लाइस कर लिया है। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा जब आपको प्याज ट्रांसल्यूसेंट दिखने लगे, यानी कि हल्का पिंक कलर का दिखने लगे, तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास निलॉन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आप चाहें तो रेडीमेड भी ला सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसे अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 2 आलू। यहाँ पे मैंने आलू को बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है। ध्यान रखिए कि आप बड़े क्यूब्स कट करें, क्योंकि हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तो ये गल जाएंगे अगर आप छोटे कट करेंगे तो। आलू में जब आपको इस तरीके की भुनी हुई परत, यानी कि वो गोल्डन ब्राउन कलर की परत दिखने लगे, तब आप इसमें डाल दीजिए गोभी। यहाँ पे मैंने 1 गोभी ली है। गोभी काफ़ी महंगी चल रही है, इतना छोटा सा फूल 30 रुपए का था, तो 1 गोभी ली है मैंने, इसको मैंने डाल दिया है। और अब मैंने डाल दिए हैं गाजर भी। यहाँ पे मैंने 3 गाजर लिए थे, इनको भी मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे करीब 100 ग्राम मटर। ये फ्रोज़न मटर है, इस सीज़न में तो फ्रेश मटर नहीं मिलता है, तो आप फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं। अब हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि सारी सब्जियां अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तब तक मैं चावल धुल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं, आप चाहें तो बासमती चावल या नॉर्मल जो भी चावल लेते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां मेरी अच्छे से भून गई हैं। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रखिए कि नमक भूनने के बाद ही डालिए, नहीं तो पहले डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा। 2 बड़े चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर खटास के लिए। काफ़ी लोग टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो लास्ट में नींबू भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि जो सब्जियाँ हैं और जो मसाले हैं वो जले नहीं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल जो कि मैंने धो के रखे हुए हैं, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। चावल और सब्जियों को अच्छे से मिला दीजिए। सब्जियां भूनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सब्जियों को भूनेंगे नहीं तो पानी डालते ही वो एकदम सॉगी हो जाएंगी और क्रिस्प नहीं रहेंगी। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने 500 ग्राम चावल के लिए 800 ml पानी डाला है। आपका चावल जितना नया जितना पुराना है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च जो ये चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करते हैं और इसे प्रेशर कुक करना है तब तक जब तक कि 1 सीटी नहीं लग जाती है। तो जब तक इसमें सीटी आ रही है तब तक इसके साथ सर्व करने के लिए हम एक रायता बना लेते हैं। रायते के लिए मैंने लिया है आधा, यानी कि 500 ग्राम्स ऑफ खट्टा दही। काफ़ी गाढ़ा होता है ये दही, तो इसीलिए मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी बैलेंस की है। इस रायते को हम बनाएंगे खीरे टमाटर और प्याज के साथ। तो यहाँ पे मैंने
दो प्याज हैं, दो टमाटर और एक खीरे को फाइनली चॉप कर लिया है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मुझे ये बर्तन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं आएगी, मिक्सिंग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो मैं इसे शिफ्ट कर लेती हूँ बड़े बर्तन में। और अब जो बाकी बचा हुआ खीरा है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। फ्रेशनेस के लिए हम इसमें डाल रहे हैं धनिया। यहाँ पे मैंने धनिए को फाइनली चॉप किया है। इसको आप इसमें मिला दीजिए। आप जितना धनिया पसंद करते हैं, ज़्यादा कम, उसके हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद है धनिया, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होती, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मेरी मम्मा को इसमें गार्निश करने का बहुत मन हो रहा था। ये मम्मी जब भी ये वाला रायता या बूंदी का रायता बनता है तो उसमें ये वाला डिज़ाइन ज़रूर देती है। उनका ये फेवरेट डिज़ाइन है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा रायता बनकर के रेडी है और साथ ही में हमारी जो सीटी है कुकर की वो भी आ गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। सीटी मत निकालिएगा, जब सीटी अपने आप निकले तभी खोलिएगा कुकर। तो सीटी अपने आप अच्छे से निकल चुकी है। अब आइए खोलते हैं और चेक करते हैं कि कैसे बनी है हमारी तहरी। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। जो मसालों का जो फ्लेवर है ना, जो मसालों का जो एरोमा है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं एक बार मिला देती हूँ अच्छे से। नीचे से आप कलछी डाल के अच्छे से मिला दीजिए, ताकि नीचे के जो चावल है वो ओवर कुक ना हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप किया हुआ धनिया गार्निश के लिए। इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। और जितने भी इसमें खड़े मसाले हैं वो निकाल दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को खड़े मसाले अगर खाते वक्त मुंह में आते हैं तो नहीं पसंद करते हैं। अगर आपके यहाँ चलता है तो आप रहन दीजिए। आइए इसको सर्व करते हैं। तो इसको मैंने सर्व किया है भुने हुए पापड़ के साथ। इसको जस्ट मैंने तवे में ऐसे रोस्ट कर लिया है, जो हमने रायता बनाया है वो, और थोड़ा सा अचार, साथ ही में मेरी मम्मी का फेवरेट गार्निश रायते के ऊपर लाल मिर्च का पाउडर। तो अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है और इसका टेस्ट भी हल्का सा अच्छा लगने लगता है। और हमारी तहरी बन करके एकदम रेडी है। सो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। अब तो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि ये आलसी औरत का प्रिय भोजन नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसी ही नहीं बनती है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो अपनी मनोदशा सुधार लें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लाजवाब रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।